जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विधायकों को खरीदा तो आदरणीय जयवर्धन सिंह जी और मुझे कमलनाथ जी ने जिम्मेवारी दी कि जाओ आप इनको फला फला होटल में फला फला लोगों के बीच में फला फला विधायक पैसे लेके बैठ गए। जब हम रात के अंधेरे में एक ऐसी रात जो बिल्कुल डरावनी थी, 300-400 एकड़ की एक होटल, उसमें जितना 12 बजे रात को हम एंट्री लेते हैं अंधेरा ही अंधेरा, उसमें अपने विधायकों को 200-300 कमरे, उसमें से 5-6 विधायकों को ढूंढना, फिर उनसे मिलना, उनसे बात करना और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से बचना, फिर उसी में केवल 2 लोग आदरणीय बहादुर वीर जवान क्षत्रिय जयवर्धन सिंह जी और इनके सहयोगी के रूप में मैं। अब आप देखो कि वहां पे जब हमने हमारे विधायकों से जो हमारे साथी थे आज के पंजे पे जीते थे उनसे बात की तो आज जो मंत्री है नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, जिस आदमी ने सबसे पहले सुपारी ली कि मैं लोकतंत्र की हत्या करूं, वो बना गृह मंत्री, जो मध्य प्रदेश के सहकारिता का जिसके पास भार है, आज वो उस समय का विधायक लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठा था, जो आज नगरी प्रशासन मंत्री बने, ये चीरहरण कर रहे थे लोकतंत्र का, जो कुछ और भी थे लाइन में 5-7 लोग जो बन नहीं पाए, पर वहां थे। जब हमने अपने विधायकों से बात की तो ये कहने लगे बात क्यों कर रहे हो, बात क्यों कर रहे हो, बात क्यों कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे अब मैं थोड़ी बात तो अपन गांव का लोग है उसी कर लागे। मैंने कहा रावण हो, हम भगवान राम के वंशज हैं, हमारे पूर्वज उनको हम उनके अनुयायी है, भगवान राम के अनुयायी है, हम तुम जैसे कायरों से न डरेंगे न डरे थे। हमने कोशिश की 1 बजे रात को 3 बजे रात को 2 विधायकों को लेके आगे, देखा था आप लोगों ने, देखा था, पर फिर भी जब 2 सगे भाई आपस में कुछ विवाद हो सकता है, सगे भाइयों की जमीन जायदाद की लड़ाई हो, मुखिया बनने की लड़ाई हो, मान सम्मान की लड़ाई हो, और 10 बातें ऐसी जो झगड़े की जड़ बने, पर सगे भाई एक दूसरे की हत्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? उस षड्यंत्र को तो हमने निष्नामूत कर दिया था, पर जब हमारा सगा भाई जिसको हमने मुखिया माना उसने ही हमारी पीठ में छुरा घोंप के हमारी सरकार की हत्या कर दी, कौन था वो? कितना भी हमारे भारतवर्ष में भगवान राम की मर्यादा में कितना भी क्रूर से क्रूर भाई क्यों ना हो, अगर उसकी हत्या कोई कर देता है तो हत्यारे भाई की जगह ये की होती है कि इसने भाई की हत्या की है, इसको अपने पास में बिठाना चाहिए, सही है गलत है? तो जब हम जाके वोट से बिके और वोट के बजाय नोट की सरकार बनी, साथियों ये जवाबदारी आपकी है। इस बार चुनाव सिर्फ विपिन वानखेड़े को या कांग्रेस पार्टी को जिताने का नहीं है, इस बार चुनाव है बाबू भैया कांग्रेस की सरकार तो बने ही पर देश में लोकतंत्र है। कैसे होगा कि एक व्यक्ति को हम वोट देते हैं, दिन रात करते हैं, बूथ पे लड़ाई लड़ते हैं और बूथ पे लड़ाई लड़ने के साथ साथ थाने में रिपोर्ट होती है, हम तारीखें जाते हैं और जिसके लिए करते हैं वो बिक जाए, ऐसे लोकतंत्र को समाप्त करने की आवश्यकता और वोट की इज्जत बनाने की आवश्यकता, इसलिए आपको मेहनत करनी है। साथियों विकास की जहां तक बात हुई हमारे लिए गर्व की बात है कि कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्या विजन था उनका, मध्य प्रदेश में विश्वास करे पूरे देश के लोग, विश्व के लोग, कमलनाथ जी के यूएसपी पूरे देश में, उन्होंने इतने साल तक काम किया ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा और मैं समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूं जिसमें बच्चों को काम मिले, हर हाथ तो
किसानों की ऋण माफी इसलिए नहीं की कि कोई उपकार था, किसानों की ऋण माफी इसलिए की कि सर किसानों में ताकत आएगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक हो। उन्होंने गाय के नाम पर वोट भी लिया पर पूरे प्रदेश में 1100 गायों का अभ्यारण्य बनाए, गौशालाएं बनाए। उन्होंने आगर में 600 करोड़ रुपए की नल जल योजना, 250 करोड़ रुपए के अन्य कार्य, यहाँ हुआ था कार्यक्रम, हम आए थे सब, जयवर्धन सिंह जी, हम सब एक साथ 2 मार्च को 11 बिजली के ग्रिड, 300 करोड़ रुपए की कर्ज माफी, 60 गौशालाएं, बिजली का बिल हाफ, 100 बातें हैं आपके पास लोगों से बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए पास नहीं है, उनके पास है कि हमने लोकतंत्र की हत्या की, हमें वोट दो। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी और बीजेपी के लोग भी बीजेपी के लिए वोट क्यों मांगे? आज बीजेपी का विधायक बिकता तो क्या उनको अच्छा लगता? आज ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का है ही नहीं, ये चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, अपनी अस्मिता को बचाने का। विपिन वानखेड़े विधायक बनेगा इसलिए नहीं कि विधायक बनना है, वो इसलिए विपिन जी विधायक बनेंगे कि हमें कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री इसी वोट से बनेंगे, इसलिए बनाना जरूरी है। आपका एक विधायक मध्य प्रदेश की सरकार बनाएगा, अगर विपिन नहीं जीता तो मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। याद रखो कि विपिन वानखेड़े को बनाना है इसका मतलब है कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना, तैयार हो कि नहीं? आप लोग तो उस वक्त से ये समझे आप कि ये सारा घटनाक्रम सिर्फ चुनाव की रणनीति का हिस्सा नहीं है, ये सारा घटनाक्रम लोकतंत्र की रक्षा का है। मैं अनुरोध करता हूं विपिन जैसा एक विनम्र परिवार का साथी, विपिन खड़ा हो तो जरा हाथ जोड़ के प्रणाम कर, पैर छू एक बार, तीन दादाओं के पैर छू, बताओ बाबूलाल जी के पैर छू, द्वारका भैया के पैर छू, जोड़ यहीं से छू, ये हो गया। अब कैसा लड़का चाहिए बताओ आप? इतने में तो शादी नहीं होती तो कोई ढंग का छोरा छोड़ी दे देता इसको। आप देखो कि इतना विनम्र परिवार का साथी आपकी लंबे समय तक सेवा करेगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप सब चुनाव हारता है तो कार्यकर्ता हारता है, चुनाव जीतता भी है तो बूथ पे कार्यकर्ता जीतता है। आप सब जीतने के लिए तैयार हो? केवल 1200 वोट पिछली बार बढ़ जाते हैं तो विपिन विधायक होते हैं। 1200 वोट यानी 300 बूथ, लगभग 5 वोट एक बूथ। खाली अपना एक बूथ पर 5 वोट बढ़े देता तो विपिन विधायक ही जाए। एक एक वोट महत्वपूर्ण है। अब एक वोट तुम्हारी सरकार बढ़ाओगे तो सबसे अनुरोध है आप सर, ये भाईजान हमारे धार के चीर युवा, केवल अभी शादी नहीं करेंगे इनकी, बाकी सब एक नंबर मामला है। तो आप सबसे अनुरोध है तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें और फिर हम और आते रहेंगे। और आप सब पक्की समझे विपिन की सीट, अरे पक्की समझे कांग्रेस की सीट।